स्पीड हमें बताता है डिस्टेंस बराबर टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस हम चले, और वेलोसिटी हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट बराबर टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्पीड हमारी फिर से कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। अच्छा, क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होते हैं, सेम होते हैं? हो सकता हो। अगर सवाल आता है क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम हो, हो सकता हो सेम हो, हो सकता हो सेम ना हो, कैसे पता चलेगा? आगे पढ़ाता जा रहा हूं, समझ में आएगा। दो तरह की स्पीड आपको पढ़नी है, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह से दो तरह की वेलोसिटी भी पढ़नी है आपको, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज क्या होता है, जो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम पे हो, जब बॉडी काफी डिस्टेंस चल चुकी हो, आप एक एवरेज आइडिया बताओ कि उसकी एवरेज स्पीड इतनी कितनी, या उसकी एवरेज पूरे जर्नी की वेलोसिटी इतनी थी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे कि हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं, आप बोलोगे ओवरऑल पूरा वीडियो ठीक ठाक था।